हेलो गाइज, वेलकम बैक टू नदर व्लॉग। मैं आपको होस्ट करता हूँ गाइज। हम बात करने बहुत रेंज में। टॉपिक बेसिकली ऐसा है कि फ्यू डेज बैक मैंने कुछ काम किया था, R&D की थी वैज एवेंजर के ऊपर। सो उसको काफ़ी टाइम हो गया, इट्स बीन ऑलमोस्ट 7-8 months, 7-8 महीने हो गया लगे ना जी। सो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा चल रहा है वो। सो आई थॉट कि एक छोटा सा क्विक रिव्यू कर देते उस पर, कैसे किया, क्या किया है। मतलब बनाने के तो किया नहीं था तभी, मेरा इतना कुछ इंटेंशन था कि हाँ चलो यूट्यूब पे डालना है, कुछ करना है। बट अभी कर सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकते हैं बेसिकली क्या किया था, कैसे किया था। मैंने देखा काफ़ी लोगों ने किया है, बट वो इतना सक्सेसफुल है या नहीं है मतलब पता नहीं मुझे। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने की, बट मैंने की बहुत एक सोफिस्टी वे में किया है भाई एकदम। सो एंगल टर्न करते हैं और देखते हैं। उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई लाइक ब्रदर सोहेल भाई। हेलो, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं रोजे? मजे में एकदम लग तो नहीं रहे तो जोक सपाट, एंगल स्विच करते और देखते क्या क्या किया है। The back and forth has got me so messed up, don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing that we got going. Hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. So guys, you can see here rear disc assembly, Avenger 150 straight mein. इसको लगाने के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी R&D, और रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा रहा बिकॉज़ ये जो अलॉय है मैकवेल को टर्न करना इट्स नॉट दैट इजी। जैसे हम लोगों ने इंपल्स में किए थे, इंपल्स में क्या था, वो सेंटर का हब था, हब निकाल के उसको अलग से टर्न किए थे हम लोगों ने, वो ईजी हो गया था। रिम्स अलग होते, टायर अलग होते, बस में क्या था रिम्स टायर तो निकल गया था, बट अलॉय व्हील है तो कंप्लीट वन असेंबली है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा ये। इसमें जो हम लोगों ने यूनिट यूज़ किए है, दैट इज़ बजाज पल्सर 220 का यूज़ किया, कंप्लीट असेंबली यूज़ किया हमने। डिस्क प्लेट है, फिर नीचे का बेस प्लेट यूज़ किए है, मास्टर सिलेंडर असेंबली है, देन कैलिपर असेंबली है, ये सारी चीज़ें हॉर्स वगैरह सब उन्होंने बजाज का ही यूज़ किया, पल्सर 220 का। और सबसे चैलेंज जो रहा ना, इसको यहाँ पे हमको बेसिकली इसको कट करके डाउन करना पड़ा था, डाउन करके इसकी हाइट कम कर लिए थे। कम करने के बाद इसके अंदर सेंटर में हम लोग ने ये एक एल्युमिनियम का जो हब बना के रखा लगाए थे, उसके ऊपर फिर इसको इंस्टॉल किए। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको अलाइनमेंट लेके इसको लाइक इसका हाइट वगैरह सेट किया, इसका अलाइनमेंट किया, उसके बाद हम लोगों ने इसको सेट किया प्रॉपर। जब ये फ्री हुआ उसके बाद सेकेंड थिंग हुआ कि हॉर्स पाइप लगाना था, तो हॉर्स पाइप हम लोग को यहाँ से लेके वहाँ तक उतना लंबा चाहिए था। वन पीस में किसी भी गाड़ी में इतना लंबा नहीं है एक्सेप्ट इंपल्स का फ्रंट वाला, बट वो भी आई गेस वो भी शॉर्ट पड़ता। बट उसके लिए हम लोग ने क्या किया, बहुत ही लाइक सोफिस्टिकेटेड वे में हम लोग ने गाइज इफ़ यू कैन सी हियर, ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे हम लोग ने एक्चुअली दो एक्सटेंशन किए थे, दो पाइप को जॉइन करके एक्सटेंशन किए थे। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा हम लोग को, उसके अलावा रेस्ट बहुत लेकिन ना बहुत आराम से होता है। यू कैन सी एफर्ट, आई डोंट नो क्लियरली दिख रहा है या नहीं दिख रहा आप लोगों को ये वाला पार्ट। सो गाइस पूछते हैं ओनर से, अपने भाई जे सोहेल भाई उनसे, कि कैसा एक्सपीरियंस है इनका इसके साथ में। सोजोला बताओ कुछ एक्सपीरियंस। हाय गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि एवेंजर 150 स्ट्रेट में पीछे के ब्रेक ड्रम ब्रेक रहते हैं, तो जब भी मैं इसको वॉश करता था या फिर गीला हो जाता था पीछे का ब्रेक या बारिश में बेसिकली तो ब्रेक नहीं लग पाता था, जल्दी आवाज़ मारता था और ब्रेक भी नहीं लग पाता था। तो मैं भाई को पूछा कि भाई ऐसा सब हो रहा है तो इसका कुछ सॉल्यूशन निकालते, डिस्कस किए बैठ के। तो हम लोगों ने प्लानिंग किया, डिस्कशन करने के बाद हमको जो उसका जो एग्जीक्यूशन का हम लोग को जो प्लान निकला हम लोग का, कि हम लोग सोचे कि इसको बार बार लाइनर्स चेंज करने से अच्छा है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके इसको डिस्क असेंबली में कन्वर्ट कर ले, राइट? या सो उसके बाद फिर हम लोगों ने प्लान किए, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ वहाँ से अरेंज की है। उसको कितना टाइम लगा बनाने के लिए भाई? इसको तकरीबन 1 महीना लगा। वो भी एकदम फुर्सत वाला काम किए थे, मतलब एक करते थे फिर 4 दिन में गायब हो जाते थे, एक करते थे 4 दिन गायब होते थे, वैसे करके 1 महीना लग गया था उसको। ठीक है, आराम वाला काम था। बट उसके बाद उसका जो आउटपुट आया वो कैसा रहा? बहुत ही मतलब बोलूँगा एकदम अच्छा रहा। अभी जब भी अपने को अर्जेंट ब्रेक मारना हो या जो इमरजेंसी हो तो उसमें एकदम फौरन ब्रेक लग जाता है, परफॉर्म अच्छा कर रहा है
पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम दिया, तो ड्रम ब्रेक होता है बेसिकली, अगर आप ड्रम ब्रेक यूज करें उसे आप सडनली आप स्विच करते हो ब्रेक्स पे, तो वो और आपको पंपिंग करना पड़ा वगैरह वो सब करना। आउटपुट आया वो कैसा रहा? बहुत ही मतलब बोलूँगा एकदम अच्छा रहा। अभी जब भी अपने को अर्जेंट ब्रेक मारना हो या जो भी चीज़ हो एमरजेंसी हो तो उसमें एकदम फौरन ब्रेक लग जाता है। परफॉर्म अच्छा कर रहा है, परफॉर्मिंग एकदम अच्छा कर रहा है। पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम दिया, तो ड्रम ब्रेक होता है बेसिकली, अगर आप ड्रम ब्रेक यूज करें उसे आप सडनली आप स्विच करते हो ब्रेक्स पे, तो वो और आपको पंपिंग करना पड़ा वगैरह वो सब करना पड़ा। उसके बाद में जितना एकदम बोलेंगे ना एकदम अच्छा हो गया। अब मतलब एकदम अलग फील होता है चलाने में, बहुत अच्छा लगता है कभी, और दिखने भी अच्छा लगता है। दिखने में भी अच्छा लगता है। हम लोग के बेसिकली हम लोग के एरिया में कोई एवेंजर ऐसी नहीं है जिसमें डिस्क ब्रेक लगा हो, पहली गाड़ी शायद से जिसमें डिस्क ब्रेक लगा हो, मैं तो अब तक नहीं देखा। तुमने देखे? नहीं देखे ना, तो शायद से वो भी एक चीज़ है कि चलो ये है। और रेस तो बहुत ही सही रहा एक्सपीरियंस इसके बाद करने के लिए भी। अभी प्लान कर रहे हैं और भी कुछ एवेंजर के साथ में लेके देखते हैं फिर इंशाल्लाह, डेफिनेटली प्लान करते हैं। और कुछ बोलना है भाई? नहीं भाई, बस आज के लिए एनी टाइम यार। चलो मिलते हैं गाइस, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, काम अच्छा लगा, तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और बहुत ज़्यादा अच्छा करो सब्सक्राइब भी करो। और सोल भाई के लिए भी कमेंट कर देना, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया, ब्रीफ किया, नहीं बोल रहे थे आने के लिए वीडियो पे, मैंने उनको इंसिस्ट किया इसके लिए आए, बहुत शर्माते शर्मिल है। सो देखते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम, राइट हार्ट, राइट सेफ, स्टे ट्यून्ड।